साथ जो अगले कॉलर हैं उनसे मैं बात करने से पहले थोड़ा सा उनका इंट्रो दे दूं, बल्कि वो तहसील सादकाबाद के अफिसर हैं महकमा ज़राअत के, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा ये आपको पहले अपना ये इसका तहसील सादकाबाद का एक थोड़ा सा आपको स्टेटिस्टिक्स दे दें कि टोटल हमारे इधर तहसील सादकाबाद का मुरीद भाई टोटल जो सा जियोग्राफिकल एरिया है ना वो है 5,48,734 एकड़ हमारी पूरी जियोग्राफिकल है, जबकि टोटल जो रिपोर्टेड एरिया है वो 5,33,179 एकड़ के ऊपर है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है अनरिपोर्टेड एरिया वो है 15,555। ये सारी जो मालूमात है ये इन्हीं इसके महकमा ज़राअत के ऑफिस की है, और उसके अलावा जो हमारा ये इसमें काबिले काश्त रकबा है वो 4,52,287 एकड़ के ऊपर मुहित है इस वक्त हमारे साथ। मलमल साहब, इसका मतलब ये है कि आप तो सारा डाटा लेके आए हुए हैं, आज ये हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो उनके लिए आपने मुश्किलात पैदा कर देंगे। नहीं नहीं, वो मुश्किलात में नहीं आएंगे, अभी आप उनसे बात करें इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी। हमारे जो है जो लिसनर जो है जिम्मेदार भी डायरेक्टली इनसे बहुत सारी चीजों से मुस्तफीद हो सकते हैं। आप जो अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है जो उनके बारे में एक जो रेपो डेवलप हुई हुई है, आप इंशाल्लाह ये डायरेक्टर साहब से बात करेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी जी, हम वेलकम करते हैं जी ज़हूर अहमद सुल्तान साहब हैं हमारे साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सादकाबाद में। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब वाला। सर मेरे साथ इधर स्टूडियो में मौजूद हैं मुरीद साहब हैं, अकमल शाहिद कंग साहब हैं और ताहिर चौधरी साहब हैं सर, वो भी आपको वार्मली वेलकम करते हैं सर स्टूडियो में। सर मेरा सब पे सलाम हो जनाब। अच्छा, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, इसमें अभी ताज़ा तो मैं बात ये इसी के ऊपर करूँगा कि अभी ये जो रिसेंटली 2-3 दिनों में हमारी ये ज़ालाबारी हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है हमारी इसकी जो है वीट की क्रॉप उसका, क्योंकि मैंने अभी जो उधर मुझे आपके ऑफिस में मालूमात मिली हैं, खालिद अली साहब आज आपसे तो मुलाकात नहीं हो सकी, आप मेरे घर एक मीटिंग के सिलसिले में रहीम यार खान थे, तो उधर खालिद साहब से मेरी माशाल्लाह काफ़ी डिटेल मुलाकात हुई है, तो उनसे जो मालूमात मिली हैं वही मैंने शेयर की हैं अभी भी इधर। सर इसमें अभी तो हम इसके ऊपर पहले तो बात करते हैं ये अपनी ये जो गंदम की फसल है इसके ऊपर, क्योंकि तकरीबन हमारी तहसील सादकाबाद में 2,00,000 एकड़ के ऊपर ये फसल काश्त हुई है। 2,60,000 एकड़ पे इस वक्त गंदम की फसल जो है ना मौजूद है। हाँ जी सर, इसके हवाले से जरा बताएं कि ये जो अभी रिसेंटली ज़ालाबारी वगैरह हुई है, क्योंकि इससे अभी ये मीडिया के अंदर कोई एहतजाज वगैरह भी किसानों के रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत हमें जी कंपनसेट करे, खासतौर पर पक्के का इलाका इस साइड पे नवाजाबाद साइड मुरीद शाख वाली साइड के ऊपर काफी ये रिपोर्ट हुआ है कि काफी उधर नुकसान हुआ है, इसके बारे में जरा हमारे लिसनर्स को बताएं सर आप। बिल्कुल सर जी, आपने ये बात तो दुरुस्त की है, लेकिन अगर हम पिछले साल की निस्बत अगर देखें तो इस वक्त गंदम की फसल की पोजीशन बेहतर है, स्पेशली इस हवाले से कि काफी सारे नए जो बीज हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं किसानों में जो उन्होंने काश्त किए हैं, और जो मौसम है वो भी इसने काफी हद तक हमें फेवर दिया है। जो बीमारी कुछ इलाकों में मौजूद थी तकरीबन 2-3% तक, लेकिन ओवरऑल जो हमारी फसल थी बेहतर थी, लेकिन जो ज़ालाबारी और जो एक बारिश का सिलसिला चला है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो लेट सोइंग थी उस पे अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन जो अर्ली सोइंग हमने कर ली थी उसमें काफी जो तादाद के कुछ एकर्स हैं जो कच्चे इलाके में हैं वो गिर गए हैं उसकी वजह से ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पानी लगा हुआ था, ऊपर बारिश हो गई थोड़ी सी हवा के साथ वो बैठ गई है। जो हमने एक सर्वे कंडक्ट करवाया है उसके मुताबिक तकरीबन 4-5,000 एकड़ जो फसल है ना वो इससे लाजिंग हुई है, और ये पूरी तहसील का तकरीबन 1.5% नुकसान बनता है। सही 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 सही। अच्छा सर, इसके अंदर ये जो जिनका नुकसान हुआ है, एक तो उन्हें जरा इसके हवाले से आप के मजीद वो इसके क्या हफाजती इकदाम करें, कोई पानी वगैरह उसे लगाना है नहीं लगाना, ये इस फसल के लिए अब इसका फ्यूचर क्या है, इसके लिए हमारे ये जरा किसान भाइयों को जिम्मेदारों को आगाह करें आप सर। सर जी, 50% से ऊपर जो फसल है उनके आंस जो है ना ये भूरे हो रहे हैं, जो ऊपर जो उसकी होती है ना बाल नुमा उसको आंस कहते हैं अंग्रेजी में ना, वो जो है ना ये भूरी हो रही है। जब ये भूरी होना शुरू होती है तो हम कहते हैं इसको पानी रोक दें, खाद रोक दें, क्योंकि अब जो टोटल इसका खुराक होती है ना ये उस ग्रेन में जा रही होती है, उस दाने में जा रही होती है, बाकी जो लेट है वो अभी क्योंकि मैं देख रहा था कि स्पेल दूसरा आने वाला है 18 तक, तो अभी इसके हमने पानी की रिकमेंडेशन नहीं की है। सही सही सही। अच्छा सर, इसके अंदर आप मजीद ये अभी अगर आप प्रोग्राम देख रहे थे सुन रहे थे तो इसके अंदर हमारे
साथ अभी डॉक्टर साहब से, यासिर अमार साहब HOD हैं इसके KFUIT के, जी तो वो उन्होंने भी उसके अंदर ना, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा फोरम है यूनिवर्सिटी का भी हमारे यहाँ, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है हमारे इस बेल्ट की के इधर ये 2014 में इसका क्या अमल में आया सर। तो इसके अंदर सर हम ये चाहेंगे कि आप ये एक गवर्नमेंट सेक्टर और आप इसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कुछ इस तरह का एक ब्रिज बनाएं कि उससे हमारे इधर लोकल जो जिम्मेदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके, कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है और प्लस अगर आपके साथ इसका यूनिवर्सिटी के जो हैं हजरात उनके साथ अगर आपका ब्रिज बन जाए तो वो उससे मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा आवाम को फायदा होगा। सर ये आवाज आपने उठाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ना काफी हद तक वहाँ एक छोटे से सफियर में ना बहुत काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर रोज जो गुलाब है उस पर काम हो रहा है, टनल फार्मिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, सेलेनिटी के कंट्रोल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक है, उनकी जो है ना फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। तो ये हमने पहले भी ऑलरेडी अपने महकमे के तवसत से ये फोकस किया है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हमने ये प्रपोजल भेजी थी कि जो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोभा जात हैं वो फील्ड में भी आके थोड़ा सा हमारे साथ काम करें, तो हमारी जो उनके किसान तक अप्रोच है उसको वो यूज कर सकते हैं बतौर पायलट। सही बात है। अच्छा ज़हूर साहब, मैं इधर ये पूछूंगा कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये माशाल्लाह आम के बागात इधर बहुत सारे हैं, ये इसका भी आपने कोई सर्वे वगैरह कंप्लीट हुआ है कि ये जो अभी इन बारिशों और ज़लाबारी से ये कितने ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं? सर जी तकरीबन 1200 एकड़ जो है ना ये जमालुद्दीन वाली के एरिया में हमने वहाँ बागात पे सर्वे किया है, और 1000 एकड़ एरिया जो है ना ये हमारा नवाजाबाद और रहीमाबाद जो सर्कल है यहाँ पर भी हमने इनका सर्वे किया है। जो स्पेल गुजरा है उसने ज्यादा नुकसान जो किया है ना ये रहीमाबाद में शफीक कदर खान, रफीक कदर खान के फार्म जो है ना वहाँ जो उनका बोर था ना उस पर थोड़ा सा उन्होंने डैमेज जरूर किया है, क्योंकि बोर उस वक्त जब ये स्पेल गुजरा है ना हेल स्टॉर्म का तो उस वक्त तकरीबन ना 15 से 20% जो फूल थे ये निकल चुके थे। सही सही सही। और इनमें से जो 15 से 20% निकले थे इनमें से तकरीबन जो है ना जो असेसमेंट हमने किए 10 से 12% जो फूल है ना उसको ये नुकसान कर गया है, ये शेडिंग इसकी हो गई है। अच्छा सर अभी आपसे मजीद बात करेंगे चौधरी अकमल शाहिद कंग साहब, ये कालम निगार हैं इसके खबरें के और उसके अलावा एडिटर इन चीफ हैं अखबार अकबर के। जी अकमल सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने ज्वाइन किया FM 105 को और लोगों हमारे सुनने वालों के लिए पैगाम दिए। कुछ बातें ऐसी हैं जी जो हम चाहेंगे आपके, क्योंकि आपसे रिलेटेड हैं हमारे दिल में बड़े अरसे से थी, हम जानना चाह रहे थे पूछना चाह रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि आज आपसे बात हुई बड़ा मजा आ रहा है। कि मैं ये चाह रहा था कि हम जब छोटे होते थे हमारे रीजन में बहुत सारी चीजें उगाई जाती थी हमारी जमीनों पर, अब हम सिर्फ गन्ने कपास और गन्ना पे रुक गए हुए हैं, पहले दालें भी होती थी चने भी होते थे, चावल तो खैर पानी की वजह से हो गया, तो हमें इन फसलों की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, या लोगों ने हमें डिस्करेज क्यों किया हुआ है, या लोग इससे क्यों पीछे हट गए हैं, क्योंकि आगे पहले सारी दालें यहीं पे हमारी ही जमीन पे होती थी, अब कहा यह जाता है कि यहाँ पे ये चीजें नहीं होती और ये कैश आवर अच्छे ये रेट्स पे जाने वाली चीजें होती थी, ये फसलें होती थी। हाँ सर जी, असल में यह है कि आप सन 1947 को देखें 4 करोड़ आबादी, लेकिन उनके लिए खाना पूरा नहीं था। सन 1973 में आ जाए तो भुट्टो साहब ने 17 मुल्कों को रिक्वेस्ट की थी कि हमें गंदम दी जाए, लेकिन उस वक्त हमारी आबादी तकरीबन 6 करोड़ थी, आज हमारी आबादी पहुंच चुकी है 24 करोड़ पे, और इंसान वह स्पीशी है जो 24 घंटे खाता है जी। और इसका इस वक्त गंदम, इसकी चीनी, इसकी जो पहनने की सलाहियत है वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एजाज सिर्फ महकमा ज़राअत को है। और ये चीज याद रखिएगा कि सिर्फ महकमा ज़राअत ऐसा महकमा है पाकिस्तान का जो सिर्फ प्रोड्यूसिंग यूनिट है, बाकी तमाम महकमे कंज्यूमिंग यूनिट है, और ये प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। अब इनमें से साफ ज़ाहिर है कुछ लोगों ने जो एग्रीकल्चर है इसके टोटल ट्रेंड को चेंज किया है।
जहूर साहब, मेरा सवाल वही है कि नो डाउट कि जाहरी बात है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अच्छे मौसम दिए हैं, अच्छी मैदानी एरियाज दिए हैं, और ये नहरी सिस्टम भी पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा होता था वो, ये नो डाउट ये आप लोगों को एक बहुत बड़ा आपके काम है, इसमें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का स्पेशली और सिंध का भी इस पर बड़ा काम कर रहा है। मैं ये सिर्फ ये था कि हमारे लोग दूसरी फसलों से, अगर हम दाल की बात कर रहे हैं तो आज भी दालें बाहर से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट हो रही हैं, हम यहाँ से भेजने की बात नहीं कर रहे, हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक ये चीजें जो हैं अब यहाँ पे पैदा होती थी, आपके रीजन, आपके एरिया, आपके सर्कल में पैदा होती थी, आज क्यों नहीं पैदा हो रही, मैं ये था। और दूसरा ये था कि हमारा देहात का जो किसान है वो भी सब्जी शहर से लेके जा रहा है, पहले हर बंदा अपनी जरूरत के मुताबिक अपने हमसायों के लिए भी सब्जी बेचता था। मैं समझता हूँ कि इसमें आपका डिपार्टमेंट शायद वो उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था। सर इसमें जो मेन फॉल्ट आ रहा है ना, वो हमारा आ रहा है मार्केटिंग का। देखिए अभी हम गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए परचेज सेंटर मौजूद है। अभी हम अगर यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी भी यहाँ पे ना सूरजमुखी काश्त करवाएं, हमने पिछले साल कुछ एरिया जो माचका का है, सोमयानी है, दूसरे इलाकों में काश्त कराई, लेकिन उसके लिए यहाँ पे उन्होंने परचेज सेंटर नहीं बनाए। अब यहाँ अगर यहाँ से वो एक प्रोड्यूस करता है किसान, उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है आपके मुल्तान में, तो वो तो उसका एक्सपेंडिचर चला जाएगा, टोटल वो तो लॉस में चला जाएगा। सेम इज द केस, आप देखें यहाँ पे जो मार्केटिंग सिस्टम है, अगर आप मुझे यहाँ पे कह दें कि ये मंडी है दाल की, तो यहाँ काफी लोग दाल में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप मुझे कर दें, ये मैकेनिज्म का जो है ना ये फॉल्ट है, ये पॉलिसी मेकर्स का जो है ना जिसमें मैं कहता हूँ कि फॉल्ट है, वरना जोनिंग तो बनी हुई है पाकिस्तान की। एक हमारा कानून पास हुआ था जिसके तहत पूरे पाकिस्तान को मुख्तलिफ जोन में किया गया था डिवाइड, अब ये जो कॉटन जोन है यहाँ पे गन्ने का क्या काम। बहुत खूबसूरत बात है, कॉटन को तबाह कर दिया गया है गन्ना, ये गन्ने के सिलसिले ने वो उसको इजी ले रहे हैं हम। और दूसरा ये जिस तरह आप पहले मुजम्मल इकबाल साहब बात कर रहे थे, हमने क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज के साथ बेशुमार हमारे अखबार अकबर ने इवेंट्स किए हैं, हम ये कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रहीम यारखंड के डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और KFUID का एक ब्रिज की शक्ल में वहां पे कोई MOU साइन करवाएं और लोगों को, स्टूडेंट्स को भी विजन मिले, स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल देखने में मिले, और हमारे जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान के एग्रीकल्चर है उनको भी लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी उसको समझने की, देखने की, जिस तरह वो सीखने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। मैं आखिर में ये जिस तरह हमारी कुछ एरिया हमारे जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ पे जैतून के बागात लगाने शुरू किए हैं, इसी तरह कुछ दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ पे टनल फार्मिंग पहले शुरू की है जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, तो हमारी ये आपके एंड पे कोई टनल फार्मिंग के हवाले से कोई काम हो रहा है जी? बिल्कुल सर जी, हमारा जो महकमा ज़राअत तौसी है उसका पूरा जो डिपार्टमेंट हमारे दफातर हैं यहाँ पे, उनको मुकम्मल गाइडेंस हमारी तरफ से मौजूद है, हमारे तरफ से तमाम लिटरेचर जो है ना उनके लिए अवेलेबल है। अगर वो हमारे फील्ड असिस्टेंट से अपनी असिस्टेंस लेना चाहें एग्रीकल्चर टनल के हवाले से, सर वो भी अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। अभी हमारे ताहर चौधरी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जी, वो कोई किचन के हवाले से वो पूछना चाह रहे थे जी। बात अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वाला सर। एक तो मैं बताता चलूं अपने सुनने वालों के लिए कि इस टाइम हमारे साथ हैं ज़हूर अहमद साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सादका बस, और ज़हूर साहब आपके वेलकम के लिए यहाँ पे बैठे हुए अकमर शाह कांग साहब, मुजम्मल इकबाल साहब, मुरीद साहब और मैं नाजीर मोहम्मद ताहिर चौधरी। ये है कि घर के अंदर जो किचन गार्डन के हवाले से आप कुछ गाइड करें हमारे लोगों को, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो जिम्मेदार तो नहीं है और कुछ लोग जो हैं वो किचन गार्डन पे अपना गुजारा करना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन और है वो ये है कि सादकाबाद के अंदर इस दफा तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के रॉन्ग अबाउट कपास काट हुई है जी, और इसकी जो औसत आई है वो आई है 15 से 16 मन, इस पे क्या बीमारियों का कोई इफेक्ट था या कोई और इश्यू था, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कोई ऐसा मुफीद मशवरा दिए अपने महकमे के हवाले से कि हमारा जिम्मेदार जो है इसको इंक्रीज कर सके। सुनने वाले सर, पहले किचन गार्डनिंग के हवाले से
सर जी ये तकरीबन 2015 से ये स्टार्ट हुआ है और ये आनवर्ड जा रहा है जी। क्योंकि जो शहर के नजदीक गंदे पानी के साथ सब्जियां उगाई जाती हैं, गंदे पानी में हैवी मेटल्स होते हैं, स्पेशली क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट, ये जो है ना ये सब्जी के पत्तों में चले जाते हैं। जब हम इनको पका के खाने के तौर पर या कच्ची सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये हैवी मेटल्स इंसान के अंदर खून में चले जाते हैं और इन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये कैंसर काज करते हैं। इस वक्त 1970 को देखें, जस्ट 2 हॉस्पिटल और इस वक्त तकरीबन 30 हॉस्पिटल कैंसर के हैं। उसकी वजह जो है ना ये पेस्टिसाइड्स और ये हैवी मेटल्स का हमारे जिस्म के अंदर जाना होता है। इसके तदारों के लिए हमने ये किया है कि किचन गार्डनिंग जो है ना ये किसान जो है और जो हमारे शहरी लोग भी हैं ये भी अपने छोटे से बर्तन में एक करेट में एक खाली जो डब्बा है उसके अंदर मिट्टी भर के उसके अंदर एक आप लगा सकते हैं। ये हम जो है ना ये छोटे लेवल पे दे सकते हैं, किसी भी छोटे गमले में किसी भी छोटी क्यारी बना के अपने घर के अंदर इसको जो है किया जा सकता है, इसको हम इससे फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास 900 पैकेट सब्जी के आए हुए हैं, हमारे दफ्तर में ये मौजूद है। काफी सारे किसान और शहरी लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। जो अगर शौकीन लोग हैं वो सर आज आ जाएं, कल आ जाएं, सुबह आ जाएं, ये अवेलेबल है सीट मेरे पास। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी। इंशाल्लाह अपने एफएम 105 के फोरम से हमारे शहर के लोगों को, हमारे किसानों को ये ऑफर की है कि वो आपके ऑफिस से आके किचन गार्डनिंग के हवाले से वो पनीरी लेके जा सकते हैं और अपने अपने घरों में सब्जियां उगा सकते हैं। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आप देखेंगे कि लोग 105 के व्हाट्सएप से आपकी बात जब उन तक पहुंची है तो रश भी लगेगा आपके दफ्तर में और लोग इससे फायदा भी हासिल करेंगे सर इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल आपका था कॉटन के हवाले से जी। सर कॉटन के हवाले से एक बात कड़वी अर्ज करता चाहूँ कि R&D में इतना काम नहीं हुआ। एक तो हमारे रिसर्चर जो है उन्होंने ऐसी वैरायटियां बनाई हैं जो कीड़ों के खिलाफ तो थी लेकिन इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सही बात है आपकी। उन्होंने जर्म ऐसे लिए हैं जो कमजोर थे, अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है, इन्वायरमेंट का स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इस लेवल पे R&D पे काम इंशाल्लाह होगा। और कॉटन की जो प्रोड्यूस है जैसे आप कह रहे थे कि पिछले साल हमारी औसत रिया जस्ट 19 मन जो कि काबिले तारीफ नहीं है, लेकिन तहसील सात का बात के लिए आप कहता चलो कि पहले हमारा था 1,20,000 एकड़ पे काश, इस साल हमारी बढ़ी है 1,60,000 पे। कुछ पानी के हालात बेहतर होने की वजह से संजरपुर और ढंडी के इलाकों में ये जो टोटल बेड था यहाँ पे काटन की काश बढ़ी थी और पिछले साल हमारे पास थी 3,40,000 गट और इस मरतबा हमने हासिल की है तकरीबन 3,74,000 गट। जी 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 बहुत शुक्रिया जहूर साहब। मैं अपने सुनने वालों को दोबारा बताता चलूं कि हमारे साथ कॉल पे थे जहूर अहमद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सादकाबाद थे। आखिर में जी डॉक्टर साहब आप जहूर भाई आपको पैगाम देना चाहें हमारे लिसनर के लिए, हमारे जिम्मेदारों के लिए, हमारे जो काश्तकार हैं खासतौर पर छोटे काश्तकारों के लिए, बहुत छोटे से टाइम में एक छोटा सा पैगाम जो इनके लिए मुफीद हो। हाँ सर जी, एक तो उनके लिए जो मौजूदा हालात के हवाले से ये है कि अपने फसल का डेली मुआयना करें और अगर यहाँ बीमारी का कहीं अटैक है तो फौरन उस पर स्प्रे करें ताकि जो फसल है हमारी गंदम की उसको हम महफूज कर सकें, क्योंकि एक एक दाना हमारी गिजा है, हम 24 करोड़ की खुराक है, उसमें मजदूर भी है और उसमें फकीर भी, तालिब इलम भी और खुद किसान भी और शहरी आबादी भी। बहुत शुक्रिया उनके है, बहुत शुक्रिया, बहुत मफीद मालूम दी आपने, थैंक यू सो मच इस फॉर्म पे आने के लिए। हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपको 105 के फॉर्म पे इंशाल्लाह आपकी खिदमत हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।